महाराज का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। अब आप ध्यान देंगे, एक तरफ भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है कि बाज ही बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना, पूरे नगर में लोग आनंद बरसा रहे हैं और कहते हैं आज हमारे राम जी राजा बने। तो काली लगन भली केती कबाजा पूजी विधि अभिलाषो हमारा, कनक सिंहासन सीय समेता बैठे ही राम होय चित चेता, सकल कहें कब होई है काली विघ्न मना वही देव कुछ। अयोध्या में महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज देवताओं को अच्छी नहीं लग रही है। विघ्न मना वही देव कुचाल, देवता कहते हैं प्रभु है विधि है मां शारदा, कोई ऐसी व्यवस्था कर कि भगवान का राज्याभिषेक ना हो, क्योंकि अगर भगवान राज का आनंद लेने लगेंगे तो उस वादे का क्या होगा, देव ऋषि नारद ने जो श्राप दिया है उसका क्या होगा, रावण को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसका क्या होगा, कि जब जब हो ये धर्म कह आनी और बाढ़ है असुर महायज्ञ, इन्होंने जो वादा किया है उनका क्या होगा। कितना ही न सोही नया वध बधावा, तीन न सोहाई नया वध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भा। देवताओं को अयोध्या का यह आनंद अच्छा नहीं लगता है। उपमा जैसे चोर को चांदनी रात न अच्छी लगती हो। शारद बोली विनय सुर करही बारह बार पायल गए, माँ शारदा की स्तुति कर रहे हैं, बार बार उसके चरणों में वंदन कर रहे हैं। ए माँ कि विपत्ति हमारी विलोक बड़े, कि विपत्ति हमारी विलोक बड़े, माँ तो करिए सोई काज राम जाहि बन राज तजी होय सकल सुर का। आज सारे देवता माँ शारदा से वंदन कर रहे रे, माँ कुछ ऐसे मती को फेर दे कि आज भगवान राम राज छोड़ करके वनवास में चले जाए, हमारी विपत्ति को सुन मेरी माँ शारदा। सुनी सुर बिने ठाढ़ी पछताती भयो सरोज विपिन ही मेरा, देवताओं की बात को सुनकर माँ शारदा इतनी परेशान हो रही हैं, पछता रही हैं कि जैसे रात्रि हो गई हो दिवस में, हेमंत ऋतुओं में रात हो जाए तो सन्नाटा छा जाता है, ऐसे पीड़ा में आहा आज मेरे से क्या हो रहा है। कि देखी देव पुनि कहाँ निहोरे, मात तो ही नहीं थोरी अखो। सारे देवताओं ने मिलकर माँ शारदा से निवेदन किया और माँ शारदा ने थोड़ी सी अपनी कृपा बरसाई है। अक्सर मैं कहता हूं कथा में
कि सुमति कुमति सबके उर रही। हर आदमी के हृदय में शुद्ध मति और कुमति का वास है, लेकिन हम ऐसी दशा है कि एक आदमी बहुत गरीबी में भटक रहा था, जी रहा था। गुरु महाराज ने उसे पारस मणि दे दी और उसे कहा, ले जा इसे संभाल के रख, जब तेरा बुरा वक्त आएगा तो लोहे को सुला देना, स्पर्श करा देना, सोना बन जाएगा। मूर्ख घर लाया, रख के भूल गया। तो जिन्हें सब कुछ सुनने की भूल जाने की आदत हो, उनके लिए ज्ञान की पात्रता है ही नहीं। जिसे सुन के याद रखने की आदत हो, उसे सुनाने में भी मजा आता है और सिखाने में भी मजा आता है। जो सुन के भूल जाए, उसे कितना सिखाओगे? उसे ज्यादा सिखाने जाओगे तो तुम्हें हरा रास्ता भूल जाओगे। बड़ा गरीब दर दर भीख मांग रहा है, भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। गुरु महाराज का फिर से आगमन हुआ, बालक कहाँ जा रहे हैं तू? बोले, महाराज बड़ी गरीबी आ गई, खाने की रोटी नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं रह गया, अब देखता हूं कहीं से 10 रुपये मिल जाए। गुरु महाराज ने कहा, तुझे तो मैंने ऐसी दौलत दे दी थी बेटा कि अगर तू उसे संभाल के रखता, उसकी हिफाजत करता, तो तेरे आगे दुनिया सर झुका देती। बोले, गुरुजी भूल गया। बोले, तू भूल गया तो मैं याद दिला देता हूं, एक बार कहां रखा है। कहने लगे, फला कमरे में इस तरफ रखा है, जा। हाँ, मैं तो वहां गया ही नहीं। दुनिया की ये रीति है, जब थोड़ा सा आसन ऊंचा हो जाए ना, तो पहला प्रहार गुरु पे ही करते। प्रकृति का नियम है, जैसे आग है ना, आग जलती है, आग से बादल बनता है, बारिश हो के पहले आग को ही बुझा देते। जा करके देखा, गुरु महाराज ने बताया, मणि तो मिल गई साहब, बाबा तिवारी, मणि मिल गई। और मणि को लेकर लोहे से स्पर्श करा रहा है, स्पर्श कर रहा है, सोना बने ही ना। गुरु महाराज के पास आ गया, बोले, तुम धोखेबाज हो, तुम मतलबी हो, तुम पाखंडी हो, आजकल कौन सा अंग्रेजी में नया वर्ड बोलते, सेल्फिश है ना, सेल्फिश हो। उसने कहा, क्यों, मेरी क्या दोष है भाई, मैं कहां से सेल्फिश हो गया? कह, मैं पारस मणि को बार बार लगा रहा हूं लोहे से, पर लोहा सोना बन नहीं रहा। गुरु महाराज के, भाई तो मेरी मुझे दे दे। बोले, नहीं गुरुदेव, आप चलिए और प्रत्यक्ष कराइए, सब कुछ छोड़ो, भावनाओं को समझो। गुरु महाराज पहुंचे, कह लगा, उसने उठाया पारस मणि और लोहे को लगाया, कहां बन रहा है सोना? देखो देखो, 1000 बार लगा रहा हूं, नहीं बनता, देखो देखो, नहीं बनता। गुरु महाराज ने कहा, इधर आ। गुरु महाराज ने उसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा था उसे हटा दिया और तुरंत सोना बन गया। कहने का श्रेय है, जब तक आपके जीवन में ये भ्रम है, तब तक सोना पारस मणि लगाने से भी लोहा नहीं बनेगा। और अगर आपके मन से भय और भ्रम दोनों दूर हो जाए, तो परमात्मा आपके नजदीक आएगा। भय और भ्रम है तो आपके सामने परमात्मा नहीं आएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, प्रसंग की तरफ चलेंगे, मेरा एक गीत है कि तप चाहे जितना कर ले, हो जब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा। तप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा। मूर्ख बंदे, जब तक न खुद को तू मिटाएगा। मूर्ख बंदे, जब तक न खुद को मिटाएगा। तप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, जब चाहे जितना कर ले, जब चाहे जितना कर ले।
प्रभु को नहीं पाएगा मूर्ख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा मूर्ख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा मूर्ख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा। आप लाख तप करो लाख जप करो, रामायण में कहा गया कि तापस तप जप वेग विरागा, तापस तप जप जोग विरागा काम क्रोध मद अति अनुराग। तपस्वी हो जाओ, योगी हो जाओ, सारी क्रियाएं कर लो, अगर काम क्रोध मद में अनुराग है तो सब कुछ व्यर्थ है। देवताओं ने मिलकर के स्तुति की है कि आगिल काज बिचारी बहोरी करी चाह कुशलक बिमोरी हरसी हृदय दशरथ पुर जनु ग्रह दुसह दशा दुख दा। देवताओं ने निवेदन किया है और मां शारदा हरसि हृदय दशरथपुर और जनु ग्रह दशा दुसह दुख। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो आपको याद ही नहीं रहता आप कौन हो कहां हो क्या। ऐसे आज देवताओं के निवेदन को सुना है, कुछ टीकाकार कुछ कवि अपने स्तर से केकई को दोषी मानते हैं कि केकई के कारण भगवान राम का वन हुआ वनवास हुआ। लेकिन मेरे भाई बहन केकई से ज्यादा राम को प्रेम कोई करता ही नहीं था। एक जगह प्रमाण आया, भगवान क्रीड़ा कर रहे थे खेल रहे थे, दशरथ ने बुलाया, भगवान राम ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कौशल्या ने बुलाया राम नहीं आए, सुमित्रा ने बुलाया तो राम नहीं आए। लेकिन जैसे केकई का बुलावा आया भगवान भागते हुए चले आए, क्योंकि रामायण में केकई को प्रेम का प्रतीक माना गया है। केकई के कारण वनवास नहीं हुआ है बल्कि होनी है। देवताओं ने स्तुति की माध्यम बना दिया केकई को, क्योंकि अगर भगवान राम राज्य का भोग करते तो उन संतों का क्या होता। तुम्हारी बाबा अब जिसके घर के दरवाजे बढ़िया बने हो उस घर में कोई चोर आता है क्या? और जिसका दरवाजा ही कमजोर है कोई भी घुस जाएगा? ऐसे जिनके जीवन में सतगुरु के ज्ञान का कवच हो और उसे रोज करते हो, जिनके जीवन में गुरु की बातें स्मरण हो, जिसने गुरु को सर्वोपर मान लिया हो, उसके यहाँ कभी भी कुबुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि वो माया में नहीं फंसेगा ना ही उसके अंदर अहंकार होगा। मेरे भाई बहन जब तक आप अपने घर में बैठे हो तब तक दुनिया कहती है मेरे घर आ जाना, जिस दिन बेघर होकर सड़क पर खड़े हो जाओगे तुम्हारा रोया भी कह देगा मैं इसे पहचानता हूं। शरीर का ये रोया है ना बहुत शोभा बढ़ाता है, लेकिन आप याद करिएगा जब बुरे वक्त आते हैं तो ये भी साथ छोड़कर नीचे गिर जाते हैं। जब तक आप कहीं मंचासीन हो, जब तक आप कहीं दो वक्त की रोटी और तन के वस्त्र कमा रहे हो तब तक दूसरा कहेगा मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। और जिस दिन इसे छोड़ दिया उस दिन तो कोई पूछने वाला भी नहीं। मेरी बात बुरी लगती हो लोकेश जी तो कोई बात ना, पर अनुभव है ऐसे जी। जब तक आप अपने घर में बैठे हो
तभी तक आपको दुनिया कहेगी कि आ जाना मेरे घर। और जिस दिन आप बेघर हो गए उस दिन आपको कोई नहीं कहेगा कि मेरे घर आ जाओ। कहता है कोई? और इसका अगर अनुभव लेना है तो इस सड़क पे आज खड़े हो जाओ और अपने आप को ये फील कर लो कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो संसारिक मगरमच्छ कितने नजर आएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इस सड़क पे खड़े हो जाओगे कि आज मेरे पास एक रुपया नहीं है, आज मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, तब आपको एहसास होगा कि आपको जो साथ दे रहा था वो कौन था। ऐसी अनुभूति हर जगह होती है। केकई का कोई दोष आध्यात्मिक तथ्यों से नहीं माना गया, लेकिन नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी अजस बिटारी ताही कर गई गिरामति फे। बाकी और कहीं तो प्रवेश नहीं कर सकती ना, क्यों भैया? केकई में प्रवेश आसानी से नहीं कर सकती, गुरु कृपा है। कौशल्या में नहीं कर सकती, गुरु कृपा है। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में रह के गुरु कृपा से वंचित हो जाए वहां तो चारों तरफ से आ ही जाएगी ना। मंथरा मनथरा, जिसके मन में बहुत बड़ा कपट का थाल हो उसे कहते हैं मनथरा। गोस्वामी जी ने अजस पिटारी कहा है, अजस जिसके जीवन में सिर्फ अपयस ही हो। अपजसों की खान तेरी काली जुबान, कहते हैं ना ये जुबान जो चाहे वो करवा ले। और शारदा की जगह कहाँ है? जुबान। और यही 2.5 इंच की जुबान आदमी को मरवा दे और मार भी जा। ये 2.5 इंच की जुबान पे जब शारदा आ जाए ना तो उसे मारने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही मर जा। केकई भला सुनने वाली थी राम के बारे में? दास। यहां पर वर्णों का प्रभाव है। जिसके घर के दरवाजे कमजोर होते हैं भैया चोर घुस ही जाते हैं। दासी उसकी मन की मलिनता है, उसके ऊंची सोच ना हो। आज भी देखिए अपने घर में मंथरा तो बहुत है, आसपास में इधर उधर के परिवार को टकराव कराने के लिए मंथरा है। जिस आदमी के मन में मलिनता हो, निगेटिव सोचता हो, क्यों तुम्हारी बाबा ऊंची सोच ना रखता हो, अपने आप को सर्वज्ञ सर्वेश्वर समझता हो, उसी के जीवन में मंथरा का प्रवेश होता है। वेदों ने यहां तक कहा है कि सबकी जिह्वा पर, गुरु कृपा की तो बात छोड़िए, साधना की बात छोड़िए, एक बार सबकी जिह्वा पर मां शारदा का वास होता है। इसलिए बोलो तो सोच कर बोलो। कई बार आप सबने संसारियों ने भी अनुभव लिया होगा, जा तेरा नाश हो जा, अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो जावे, अरे राम मेरी तो भाखा सच हो गई, मुझे पाप लग गया। बोलते हो नहीं बोलते? हो जाती है घटना। शारदा का स्थान मति में प्रवेश करके जिहवा से आग उगलना होता है। शारदा सबसे पहले जिहवा पे प्रभाव करती है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पूरे नगर में आनंद ही आनंद बरस रहा है, पूरा नगर सजाया हुआ है, मंथरा का आगमन होता है कि पूछती है नगर की बनावट को देखकर कि देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काह उछाहू राम तिलक सुनिभाउर दाहू। पूरे नगर में भैया आनंद है, सजावट है, लोग तोरण पताके लगा के आनंद मना रहे हैं, कोई मंगल गान कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई वेद का पाठ कर रहा है, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ क्या दूसरे का सम्मान।
दूसरे के खुशी में लोग स्वागत कर रहे हैं, उसको नहीं सम्मान सहन हुआ। और लोगों से पूछती है, सब कुछ जानते हुए पूछे सी लोगन का उछाओ, क्या उत्साह है नगर में। और जैसे लोगों ने कहा भगवान राम का राज्याभिषेक है, तो राम तुलक सुन भावुर दाहू। दाह कहते हैं महाराज, दाह एक ही बार प्रयोग होता है ना तिवारी बाबा, अग्नि दाह। उपमा बड़ी सुंदर सुंदर दी है गोस्वामी जी ने, इसलिए मैं कथा करने से पहले कहता हूं कि भाई रामायण की हर चौपाई जीवन में घटित है, कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को कह रहा हूं। आप ध्यान देंगे, यहां दाहू गोस्वामी जी ने उपमा दिया है कि राम के तिलक की सूचना सुनते ही मंथरा के हृदय में इतनी अग्नि जैसी जलन होने लगी जैसे मरने के बाद किसी प्रेतात्मा का संस्कार करने के बाद जलन होता हो। दाहू, दाह का मतलब जलाना, दाहू अग्नि प्रज्वलित हो गई हृदय में। हाँ कि हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, और जिसे देखता हूं वही रो रहा है। करते हैं बातें हवाओं के रुख से, आदमी दुखी है औरों के सुख से, इसी तृष्णा में जगत खो रहा है, जिसे देखता हूं वही रो रहा है। गैरों के सुख से करई विचार कुबुद्धि कुजानी, होई अकाज कवने विधि, किस तरीके से प्रयोग करें। यहां दो बात कही है गोस्वामी जी ने, कुबुद्धि और कुजाति। तिवारी बाबा समय को देखना है, कुजाति और जाति है। गोस्वामी जी ने कहा करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, अदेख लाग मद कुटुल की राति, जिम गवे तक ले वो कही। किस तरीके से रोकूं, कैसे इनके सम्मान को कम करूं, रोकने की चेष्टा करती है। उपमा दिया है गोस्वामी जी ने, जिस तरीके से नट का उपमा है, कुजाति शब्द है ना, एक जाति ही होती है जिसका स्वभाव लड़ने में ही होता है, जी भर के लड़ लेना, बाद में पेट भर के खा लेना, सो जाना, सुबह फिर वही कहानी चालू कर। कुजाति के लोगों की तरह से मंत्रा ने प्रभाव किया और पहुंचती है भरत की माँ के पास कि भरत मात पही गई बिलखारी, भरत मात पहीं गए बिल खाली।
केकई भरत की माता है और मंथरा कहां गई सबसे पहले? भरत मात पे, भरत की माता केकई के पास गई। कैसे? बिलखानी, बिलखती हुई रोते हुए पहुंच गई है और केकई ने हंसते हुआ कहा, का अनमनी, हंसी कहा हंसी रानी, क्यों उदास है, क्या बात है? हंसते हुए रानी ने कहा, ओहो इतने में तो त्रिया चरित्रम चालू हो गया, उत्तर दे ही नहीं ले ये सासु, ना उत्तर दे ना सांस ले, उत्तर दे ये नहीं ले ये सासु, नारी चरित कर ढा रही, आंसू गिरा रही है, मकर कर रही है, मकर जप दिखा रही है, अब रानी ने उसे हंसाने की कोशिश की। देखे जब कुबुद्धि सवार होती है तो ऐसा होता है, केकई ने उसे हंसाने की कोशिश की। आज भी किसी का दिमाग खराब है उसे हंसाने की कोशिश करो, प्यार करो, समझाओ, पर वो उसे कुछ नहीं, बस अपने अपने में मस्त रहेगा, उसे सुनना ही नहीं किसी की। जाओ ऐसे अभी पहली बार रानी ने हंस के पूछा ना तिवारी बाबा, का अनमन हंसी कहा हंसी रानी, क्यों उदास है? हंस के रानी ने पूछा, अब उत्तर दे ही नहीं करे उस आंसू, नीचे का सांस नीचे, ऊपर का सांस ऊपर, आंखों से आंसू बह रहे, कोई बात कहे ही ना। फिर भी एक बार केकई ने फिर से हंस के ही पूछा है, क्यों तिवारी? कहे हंसी का हरानी काल बड़ तो गालों को खींचते हुए हंसते हुए एक बार फिर के कहीं ने कहा, क्यों जी? हंसी का हरानी गाल बड़ तोरे, फिर भी कुबुद्धि तो कुबुद्धि है जी, हंसी का हरानी गाल बड़ तोरे, हंसते हुए के कहीं ने कहा और कहा, मुझे पता है कि दीन लखन सिख अस मन मोरे, तुरे जरूर लक्ष्मण ने कुछ सिखा दिया ऐसा मेरा मन कहता है, तू मेरा आनंद ले रही है, या लखन की कोई बात बुरी लग रही है? देखिए एक बार समझाया, दूसरी बार फिर भी नहीं, किताबहू न बोले तेरी बड़ी पापी, इतना समझाने के बाद तबहु न बोली चेरी बड़ी पापी, इतने समझाने के बाद लाड करने के बाद तबहु न बोली, फिर भी नहीं बोल रही है। चेरी का अर्थ दासी, बड़ पापिन, ये पापिन फिर भी नहीं बोलती है और सांस ऐसे छोड़ती है जैसे नाग के मर जाने के बाद नागिन क्रोध में फुफकार करती रही,
इतनी जोर की हुंकार और फुफकार मारती है कि सभय रान कह कहस किने कुशल राम महिपाल राम भरत रिपु दमन मुनि भा कुबरी उरसा। कहती है मुझे जो लग रहा है सुनो कि कत सिख दे हम ही कुमाई गालु करब कही कर बल राम ही छाणी कुशल कही आज जही जने सु दे जुबरा। अब बोले मैं किसके लिए बोलूंगी, तुम्हें पता है आज इस नगर में कोई सुखी है ही नहीं सिवाय राम के, आज इस नगर में कोई सुखी है ही नहीं। राम इसलिए खुश है क्योंकि उनको राजा बनाया जा रहा है, और तेरी समझ में नहीं आ रही है कि भयो कौशल्य ही विद्यति दाहिनी देखत गर्व राहत मुरना देखूं कसना जाय सब शोभा जो अवलोक मोर मन छो। अरे के कही कौशल्या की तो विधि दाहिने हाथ है, आज लोग कहते ने भी आपके तो प्रभु की कृपा है जो चाहो वही हो जाए, मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना हो जाए। मंथरा कहती है केकई आज तो कौशल्या का आनंद ही नहीं समा रही है, आनंद लूट रही है, देखत गर्व रहत उर लाए। उसके हृदय की गर्विकता को उसके हृदय की उल्लास को देखते ही बन रहा है, देखो कस न जाई सब शोभा जाकर देखो घर उजाड़न वाली मंथरा। वो तो उजाड़ने की बात करेगी ना बसाने की, इसलिए कहते हैं समझदारी से परिवार चलता है, और ढाई इंच की जुबान पे जब नागिन बैठ जाए तो भरोसा नहीं किसे डंस कर। आपने कभी नहीं देखा तो बताओ कुत्ता और नागिन ये दोनों गुस्से में एक ही काम करते हैं, आप समझ सकते हैं ना क्या करते हैं। कुत्ता और नागिन दोनों एक ही काम करते हैं, कुत्ता जब गुस्से में आवे तो खुद को काट ले और नागिन गुस्से में आवे तो अपनी पूंछ को मुंह में भर ले, प्रमाणिकता की बात है। यहां समझा रही है कि जाकर देखो, और समझाने का तरीका भी देख लीजिए बड़ा सुंदर, कमजोर जगह पे चोट मारती है नागिन। कहती है पूत विदेश न सोच तुम्हारे पूत विदेश न चतुराए।